नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज के इस कार्यक्रम में बात होगी जिस तरह से चुनाव की तैयारियां हो रही हैं उसको लेकर अब वोटिंग लिस्ट सामने आ गई है। नादी विशेष में आज बात चुनाव की तैयारी, वोटर की बारी। करीब डेढ़ साल से अटके निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग इस बार पंचायत और निकाय चुनाव दोनों एक साथ कराने जा रहा है। वहीं वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सभी दल एक्टिव हो चुके हैं। नेताओं ने एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू कर दी है, साथ ही अपनी अपनी जीत का दावा भी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। तो चुनाव की तैयारी, वोटर की बारी और नेताओं के दावों पर देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद इस पर चर्चा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी रणभूमि तैयार होने जा रही है। नेता एक दूसरे पर बयानों के बाण एक बार फिर चलाने शुरू करेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है और फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने के साथ ही आयोग ने सभी पार्टियों को इशारा दे दिया है कि आप चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। हालांकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान तो फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन निर्वाचन आयोग इस बार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ कराने जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण और पंचायत चुनाव 3 चरण में कराने की तैयारी की है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ाया जा रहा है, यानी वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी। प्रदेश के 407 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए फिलहाल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब सिर्फ आचार संहिता लागू होने का इंतजार है और संभवतः वो भी 10 मार्च से लग सकती है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग बीपी सिंह 6 मार्च को एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें वो प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर से चर्चा कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और संभवतः बैठक के बाद बीपी सिंह तारीखों का ऐलान भी कर सकते हैं। वोटर लिस्ट जारी होने के बाद प्रदेश का सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। बीजेपी कांग्रेस समेत सभी दलों के नेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टियों ने प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची करना शुरू कर दी है, साथ ही पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, लिस्ट जारी होने के बाद बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। हालांकि बीजेपी नेता ने चुनाव की तैयारियों को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वोटर लिस्ट में हुए सुधार की बात जरूर कही है, तो कांग्रेस नेता भी चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव की तैयारियों को लेकर मतदाता सूचियों का काम चल रहा है। निश्चित तौर पर हमारे मतदाता गण कई सारे जो है शहर में अन्यत्र पते पे चले जाते हैं, ऐसे में कुछ नाम नए जुड़ने का काम भी होता है, कुछ हटने का भी काम होता है। अब लगभग 18 लाख मतदाता मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के नगर सरकार को चुनने का काम करेंगे। पिछली बार से कुछ मतदाताओं के नाम बढ़ने का काम हुआ, निश्चित तौर पर जनसंख्या के मान से बढ़ोतरी तो होना ही रहती है, वो होने का काम हुआ है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नगर सरकार के चुनाव के लिए तैयार है और पूरी ताकत से इसके लिए हमारी पार्टी ने तैयारी कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी जरूर डर रही है चुनाव कराने में, और जो है धीरे कभी कोरोना के बहाने कभी किसी बहाने चुनाव आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हाईकोर्ट के तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि चुनाव जल्दी कराए जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से चुनाव शामिल है। दरअसल निकाय चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में जनहित याचिका लगाई गई थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 25 फरवरी को आयोग को चुनाव कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा था कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है, जिसके बाद तय समय में राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी और जल्द ही निकाय चुनाव करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश में नगर निगम और परिषदों में एक साल से भी अधिक समय से प्रशासकीय कार्यालय चल रहा है। आप देखिए, पहले कमलनाथ सरकार ने तारीख बढ़ाई, बाद में शिवराज सरकार भी इसे टालती रही। हाल ही में 3 महीने के लिए चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था, लेकिन इसके बाद याचिका दायर की गई तो हाईकोर्ट ने जल्द चुनाव कराने के आदेश दे दिया। हालांकि तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन अगर 10 मार्च को आचार संहिता लगती है तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि आखिर इस चुनाव के बाद क्या कुछ निकलता है, क्योंकि फिलहाल तो यही
कि बार बार चुनाव टलते आ रहे हैं और चुनाव टलते आ रहे हैं, तो अब ये चुनाव हो जाने चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इस मामले में चुनाव आयोग को कह दिया है। लेकिन सवाल ये कि ना केवल कमलनाथ सरकार के समय इन चुनाव को आगे बढ़ाया गया था, भोपाल की अगर हम बात करें तो कोलार और भोपाल दो नगर निगमों में डिवाइड करने की कोशिश की गई थी, तब चुनाव टले, और दोबारा अब अगर हम बात करें तो कोरोना काल और उसके बाद स्कूल्स की तरफ से भी ये कहा गया, क्योंकि सेंटर्स जो है स्कूलों को ही बनाया जाता है, आप सभी जगहों पर देख लीजिए, वहाँ पर आप जब वोट डालने जाते हैं तो या वो सरकारी कार्यालय होता है या फिर वो स्कूल्स होते हैं जहाँ पर आप वोटिंग करने जाते हैं। तो यही कुछ आलम है। अब अगर स्कूलों में कक्षाएं चल रही हों या एग्जामिनेशंस चल रहे हों तो भला वहाँ पर कैसे चुनाव हो पाएंगे, ये एक मुद्दा। लेकिन अगर हम इसे टालते हैं तो फिर आप देखिए बारिश का समय हो जाएगा, फिर उसके बाद त्यौहार आ जाएंगे, तो टलता ही रहेगा। और अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है, उसको समझने की कोशिश करें तो वो चाहते हैं कि सारे चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए, ताकि आचार संहिता में विकास कार्य ना रुके, कोई समय बर्बाद ना हो, और जो सरकार का पैसा जो लगता है चुनाव कराने में वो भी कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा उनकी मंशा है, शायद दूसरों की नहीं, इसी वजह से बार बार ये चुनाव टल रहे हैं। सवाल ये भी कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप क्या हम समय पर ही चुनाव करवा पा रहे हैं? शायद नहीं, इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि बार बार ये चीज़ें टल रही हैं। अब ऐसे में आप देखिए, जो चुनाव अब तक निकाय चुनाव हुए हैं, अब दोनों ही दलों की अगर हम बात करें तो दोनों ही दल अपनी तैयारियों का पुख्ता दावा कर रहे हैं। उम्मीदवारों का ऐलान फिलहाल अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा रहा है कि दोनों दलों की तरफ से कि हमारी तैयारी पूरी है, बस हमें उम्मीदवारों के नाम घोषित करने हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि दोनों उम्मीदवारों की आप फिलहाल पोजीशन समझिए, बीजेपी और कांग्रेस की। हम अगर पिछले पंचायत चुनाव की बात करें या छोटे चुनाव की बात करें तो आप देखिए गुजरात, छत्तीसगढ़, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब और उसके अलावा राजस्थान, और अब जो चुनाव होने हैं या अब जो छोटे चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहाँ निकाय चुनाव की को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ किस तरह से दोनों दलों की परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि अभी जो दूसरे राज्यों के परफॉर्मेंस आए हैं वहाँ कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी रही। चलिए अब हम समझने की और भी कोशिश करते हैं। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से फोन लाइन पर हैं। दुर्गेश शर्मा जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। नमस्कार दुर्गेश शर्मा जी, जिस तरह से आप फाइनल वोटर लिस्ट आ चुकी है उसको लेकर सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। 10 मार्च से अगर आचार संहिता लग जाती है तो जल्द ही वो तारीख भी सामने आ जाएगी जब आपको जो चुनाव है निकाय चुनाव वो होंगे, आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम तैयार हैं, हम चाहते हैं नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव, जो पंचायतों के चुनाव है जल्दी से जल्दी हो, जिससे नगर सरकारों का गठन हो पाए, लोगों के जो रुके हुए काम है वो व्यवस्थित होना शुरू हो जाए। जी पर उम्मीद और विश्वास पर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में आने को तैयार हो जाए। कांग्रेस सदैव प्रयासरत है और हमने अपनी पूरी तैयारी करी हुई है कि चुनाव के जिस दिन डेट डिक्लेयर होगी आप देखेंगे अगले दिन आपको हमारे प्रत्याशी मैदान में दिखाई देगी। आपको ऐसा लगता है कि चुनाव में आने की तैयारी में नहीं है फिलहाल बीजेपी? अभी तक का तो यही सिनेरियो रहा है, पिछला हमने जब कांग्रेस शासन था तब भी देखा कि जब चुनाव की प्रक्रिया हम प्रारंभ करते थे तो या तो न्यायपालिका में जाके विघ्न लगवा देते थे या राज्यपाल के पास जाके शिकायतें कर देना, तो ये सब करके वो किसी ना किसी तरह चुनाव को टलवाते रहे। और अब कभी कोविड है और कभी दूसरी अन्य कारण है जिसके कारण चुनाव को ये बढ़ाते आ रहे हैं। अपने निज स्वार्थ के लिए कुछ भी करना संभव है इनके लिए, पर जनता के हित में सोचना और जनता के हित में चुनावी मैदान में जब तक ये खुद कंफर्टेबल नहीं होते जब तक नहीं जाते। ठीक है, तो लेकिन आज इनके विपरीत स्थितियां हैं इसकी उम्मीद कम है। आज किसान भी आंदोलनरत है, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है और महंगाई चरम सीमा पर है, इसलिए उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अभी चुनावी मैदान में जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि जो सिनेरियो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं चल रहा है इसलिए वो इस चुनावी मैदान में आने से कतरा रहे हैं? जी बिल्कुल। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे तो उम्मीदवार तैयार हैं, आपके पास उम्मीदवारों का टोटा है, इसलिए आप लोगों ने जब आपकी सरकार थी तब भी आप लोगों ने इस चीज को डिले किया था, आप चाह रहे थे कि भोपाल दो नगर निगमों में डिवाइड हो जाए। चुनाव आयोग पहले ये कह चुका है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अब नगर निगम क्योंकि ये स्थानीय चुनाव होते हैं इसलिए स्थानीय सरकार को, प्रदेश सरकार को अपनी सहमति देनी होती है कि हाँ हम आपके चुनाव तैयार है और हम भी आपके सहयोग के लिए तैयार है। जी जब तक सरकार विघ्न पैदा करती रहेगी तब तक चुनाव आयोग चुनाव कैसे करा पाएगा?
सरकार सहमति तो दे अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी है और यदि वो तैयार है तो चुनाव कराए ना, रोक किसने लिखा है। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट को लेकर तो आरोप तो आपकी तरफ से भी आए थे। नहीं, आरोप हमारा एक प्रक्रिया होती है वोटर लिस्ट की, और उसमें प्रक्रिया का मैं जितना समय होता है उस प्रक्रिया में आपको जाना ही जाना है जी, ना जाए तो भी उतना ही समय लगना है। इसमें कोई अलग से रोकथाम करके न्यायपालिका में जाके या फिर राज्यपाल के पास जाके ज्ञापन देके हमने रुकवाया थोड़ी है। जो इन्होंने किया था, जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसमें तो भाग लेना चाहिए और लेंगे, हम बिल्कुल लेंगे, डेट डिक्लेयर तो कराएंगे। चलिए, फिलहाल आपका यही कहना है कि आप मैदान में आइए, हम तो जंग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम पूरी तरह तैयार हैं। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है सर कि बार बार ये जो आरोप लग रहे हैं कि आप देखिए जो बाकी राज्यों में चुनाव हुए उनमें कहीं आपकी पोजीशन ठीक रही तो कहीं बीजेपी की पोजीशन ठीक रही, लेकिन आप गुजरात की हम बात कर लें और राजस्थान जहां आपकी सरकार है वहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा, तो आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने की तैयारी में हैं उन मुद्दों को लेकर खासतौर पर भोपाल जहां राजधानी जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं जहां तमाम विधायक मंत्री बैठते हैं वहां इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के चुनाव तो बता रहे हैं कि फिलहाल कोई मुद्दों का फर्क नहीं पड़ रहा लोगों के ऊपर। राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इधर उधर से मुझे कोई मतलब नहीं है जी। मैं मध्य प्रदेश की चुनाव की बात और मध्य प्रदेश की नगरीय निकाय की चुनाव की बात कर रहा हूँ, और मध्य प्रदेश में हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं जी, हमारे प्रत्याशी तैयार हैं, हमारी चयन कमेटी ने अपने काम लगभग लगभग पूर्ण कर लिए हैं। जिस दिन चुनाव की डेट डिक्लेयर होगी उस दिन हम चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों के संग आ जाएंगे। ये हमारे कहने पे चुनाव थोड़ी कोई टाल देंगे या जल्दी करा लेंगे या बाद में करा लेंगे, हम तैयार हैं या नहीं। ठीक है, तैयार हम वाले नारे के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं चुनाव को लेकर भी। अब मुझे ये बताइए दुर्गेश जी, कोई मुद्दे डिसाइडेड हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं, इन निकाय चुनाव को लेकर खासतौर पर? मैंने सबसे पहले मुद्दों पर ही चर्चा करी। आज जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर जी, घर के गैस आज 800 रुपए से ज्यादा है, किचन के अंदर आप खाने का कोई भी सामान उठा लें उसकी दरें चरम सीमा से ऊपर है, बहुत महंगी है, तेल खाने का 150 रुपए किलो लीटर है। तो ये स्थितियां हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हो या पूरे देश में हो, यही सब मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, अब तो एक नया मुद्दा कल एक और आया है, नया व्यापम टू आ चुका है मध्य प्रदेश में, ये सब बातें हैं। हर चीज हर क्षेत्र में चर्चाओं के साथ में हम जाएंगे, और किसान मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन रहते हैं और हम उनके साथ हैं। इन सब बातों को देखकर ही तो भाजपा चुनाव मैदान में आने को तैयार नहीं है, और हम तैयार बैठे हैं पर चुनाव ये करा नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि बजट में बीजेपी की तैयारी दिखी, आप लोगों ने भी कहा कि कुछ बातें तो निकाय को ध्यान में रखते हुए लोगों ने कही हैं। अब लेकिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे विपक्ष से कि सदन में, क्योंकि सदन के बाहर तो खूब मुद्दे दिखाई दे रहे थे, हमें साइकिल भी दिखाई दे रही थी, सदन में वो मुद्दे उतनी प्रखरता के साथ विपक्ष ने उठाए नहीं, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष ने। क्या मुद्दा नहीं उठाया? अभी बजट आया है, बजट आने के बाद में इन्होंने बढ़ा दिया, छुट्टी मार दी, और आज बजट पे चर्चा शुरू हुई है। सदन का सत्र शुरू ही तो 2-4 दिन का हुआ है, जो प्रक्रिया है वही चल रही है ना। विपक्ष ऐसा तो है नहीं कि बजट प्रस्तुत करते ही एकदम से बवाल शुरू कर देता कि नहीं साहब सारी चर्चाएं आज ही करा लें, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया पे काम चल रहा है, वो चर्चा करा रहे हैं, चर्चा शुरू होगी। आज जो चर्चाएं शुरू हुई है आज उस पर अपनी तरफ से बहस और अपनी बात को रखा गया है। सदन के अंदर हमें सवाल उठाना था, हमने सवाल उठाए हैं, जवाब वो देंगे नहीं देंगे इस पर बहस होगी, वो आगे आने वाले समय में होगी। एक दिन में हर चीज संभव नहीं कि एक दिन में ही सब चीजें वहां पर बैठ के निर्णय हो जाए, जो पूरा समय पीरियड है सदन को उतने दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय सरकार चलाए तब आनंद आएगा। ये तो सदन से 6-6 घंटे में भागने वाले लोग हैं, ये सदन में रुकते कहाँ है? इन्होंने पिछले एक साल तो सदन चलने नहीं दिया, पहली बार ऐसी स्थिति आ रही कुछ सदन चलने की संभावना लग रही है, पर उसमें भी अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं कि कुछ दिन के अंदर सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। ये सब बातें हैं सदन में नहीं, मेरा मेरा मैं जो इस तरफ आपका इशारा ले जा रही थी उसमें ये कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब
पहले तो प्रायोरिटी पर कमलनाथ जी बोले, लेकिन कहा जाता है कि बाकी विधायक कुछ बोल लेते हैं, उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष है वो बोलते हैं। लेकिन ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो बोले, और उसके बाद जब वो बोले तो उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट किया, शिवराज जी को टारगेट किया, लेकिन अपनी सरकार को लेकर वो ज़्यादा बात करते हुए नजर आए। यानी उनके समय पर क्या क्या जो आरोप लगा रहे हैं उसको कैसे वो क्लेरिफाई करें, उस पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। जो मुद्दों को लेकर आप लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, वो मुद्दे नेता प्रतिपक्ष ने सदन में नहीं उठाए। अगर वो सारी चीज़ें होती तो मीडिया में बात होती, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारी पड़ते आप। देखिए, हमने सदन के अंदर, आज भारतीय जनता पार्टी बाहर कहती है कि हमने कर्जा माफ नहीं किया, और सदन के अंदर दस्तावेज प्रस्तुत करती है कि हमने कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बच्चियों की शादी के लिए जो 51,000 रुपए की राशि है वो हमने नहीं दी, और सदन के अंदर कहती है कि 4211 लोगों की राशि दे दी गई है। नहीं, मैं उस चीज को लेकर बात ही नहीं कर रही हूँ ना सर, मैं तो यही पूछ रही हूँ कि नेता प्रतिपक्ष साहब को जिन मुद्दों को लेकर घेरना था सरकार को, वो अपनी सरकार यानी अपनी 15 महीने की सरकार को क्लीन चिट दिलाने में लगे रहे, उन्होंने उन मुद्दों पर बात ही नहीं की जिस पर अच्छे से घेर सकते थे आप लोग। आपका नजरिया हो सकता है कि मुद्दे नहीं होंगे, जो हो सकता है कि आपके जहन में जो मुद्दे हो वो शायद उस समय चर्चा में नहीं आ पाए हो, पर मुद्दे तो यही है ना कि किसानों के हित में क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने क्या किया, अब आप क्या कर रहे हो वो बता दो। चलिए, जब बजट में उन्होंने बताया कि हम ये कर रहे हैं, तो अब राज्यपाल से क्या होता है, राज्यपाल से सरकार अपने कामों को गिनाती है। ठीक है, राज्यपाल कोई अपनी अपनी उससे थोड़ी, सरकार जो राज्यपाल को भाषण लिख के देती है। आपका बताना अपनी जगह सही है, लेकिन मीडिया का जो आकलन रहा कि जिस तरह से घेर सकते थे आप, उसका इम्पैक्ट निकाय चुनाव पर पड़ता, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स में आया, जो हमने खबरें दिखाई उसमें उनका जो नेता प्रतिपक्ष साहब है उन्होंने जो जो कहा पूर्व मुख्यमंत्री साहब, वो सारी चीजें दिखाई गई। ठीक है, मैं सुमित जी को शामिल कर लेती हूँ, हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पर मौजूद है। सुमित जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। सुमित जी, हम निकाय चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कहना ये है, दुर्गेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस से, उनका कहना ये है कि भाई आप तैयारी कर लें आने की, हम तो हैं ही मैदान जंग में। देखिए, ऐसा है कि भाजपा तो हमेशा चुनाव की तैयारियों में ही रहती है, क्योंकि भाजपा का संगठन लगातार अपने काम में लगा रहता है। और रही बात चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है, और आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को उसका चेहरा दिखा दे। तो यानी अभी जैसे कि अभी दुर्गेश जी कह रहे थे कि हम तो पूरी तैयारी के साथ मैदान जंग में आने के लिए तैयार हैं, आपकी तो टाल रहे हैं इतने दिनों से। हमारी तो तैयारी, हमने कहा ना कि हमेशा रहती है। और हमारा अभी कार्यकर्ता, चूंकि जो 15 महीने में कांग्रेस ने वोटर लिस्टों में गड़बड़ी करी थी, उन मतदाता सूचियों को सुधारने में लगा था, शासन जब भी नगर निगम चुनाव की तारीख तय कर देगी, हमारा कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। और ऐसा नहीं कि अभी तैयार है, तो हमेशा तैयार रहता है। दुर्गेश जी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की थी ऐसा कहना है, अब वोटर लिस्ट सुधर कर आ गई है, यानी अब चुनाव हो जाएंगे। मजाक करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है क्या? चुनाव आयोग कांग्रेस की संस्था है क्या? जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि हमने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दी थी। अरे भैया, हमने वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी करी होती या करी है तो आपके पास में चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं है। तो चुनाव आयोग तो कांग्रेस की, वाकई कांग्रेस के अंडर नहीं आती है, लेकिन 20 दिसंबर को जो 2020 दिसंबर को जो चुनाव हो जाने चाहिए थे वो टले क्यों फिर? जी बिल्कुल सही कह रही हैं, जो चुनाव हो जाने चाहिए थे, मैंने आपको सबसे पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कितनी बार न्यायालय की शरण में गए चुनाव आयोग पे प्रक्रिया को लेके, कितनी बार राज्यपाल के पास इन्होंने ज्ञापन देके चुनाव प्रक्रिया को रोक लगाई। ये उस वक्त डर बीजेपी को था सुमित पचौरी जी, इसलिए बार बार आप लोग आवेदन देने जा रहे थे, आप लोग न्यायालय के पास जा रहे थे, ये तो तब भी तैयार थे कांग्रेस से। तो अभी आपकी तैयारी है 10 मार्च के बाद जब तारीख है। हम तो हमेशा चुनाव के मूड में, जब भी चुनाव कराना चाहे करा रहे हैं, लेकिन जो गड़बड़ियां कांग्रेस की जब सरकार थी, उन्होंने भोपाल में दो नगर निगम बने ऐसा प्रयास करा, और उसके आधार पर उन्होंने वोटर लिस्टों में छेड़छाड़ करी थी। मैं उनकी बात कर रहा हूं जब उनका शासन था। और रही बात चुनाव की, नहीं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की? उनकी गवर्नमेंट थी इसलिए, लेकिन गवर्नमेंट तो आपकी भी है। हाँ, हम तो हमारी गवर्नमेंट है, हम तो चुनाव के लिए तैयार है, कल चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। नहीं तो उस वक्त आपकी तैयारी इसलिए नहीं थी क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर आप लोग आरोप लगा रहे थे।
नहीं नहीं, वोटर लिस्ट की बात तो हम इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने छेड़छाड़ करी थी, तब भी चुनाव होते तो हम तब भी चुनाव के लिए तैयार थे। ऐसा नहीं था कि अभी अभी वोटर लिस्टों का काम हुआ हो या पहले नहीं था, तो इसलिए हमारा तो ये आरोप था कि आरोप अभी भी ये है कि इन्होंने डेढ़ साल के इनके कार्यकाल में हमारी वोटर लिस्टों का छेड़छाड़ करी। मैं ये कह रहा हूँ 2020 में जो चुनाव हो जाने चाहिए थे, उपचुनाव के साथ ही जिन चुनाव को करवा सकते थे, उसमें बहुत डिले हो गया और उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी रोल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा, हम लोग तो चुनाव के लिए तैयार थे। हो सकता है कोरोना के कारण अगर चुनाव बढ़े तो उसके पीछे की मंशा अलग है, लेकिन चुनाव हमारी तरफ से डिले हो ऐसे हम लोग की मंशा नहीं थी, हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, एक लास्ट कमेंट आपका दुर्गेश जी। जी दुर्गेश जी, जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो तैयार हैं, वो भी कह रहे हैं आप भी तैयार हैं, तो फिर जो 2020 में जाना चाहिए तब 21 तक आते आते संभव दिख रहा है। आश्चर्य तो इसी बात का है कि यदि भारतीय जनता पार्टी तैयार है तो चुनाव हो क्यों नहीं रहे, रोक कौन रहा है? सरकार में तो वो बैठे हैं, निर्णय तो उन्हें कराना है। राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, जब चुनाव आयोग आपकी सरकार के समय अपने हिसाब से चल रहा था तो इनकी सरकार के समय भी चुनाव आयोग अपने हिसाब से चल रहा। राज्य निर्वाचन आयोग को मध्य प्रदेश सरकार को लिख के ही तो देना है कि चुनाव की तारीखें तय करें, हम तैयार है चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव के अंदर जो प्रशासनिक कहेंगे कर्मचारी और जो अधिकारी ये सब लगते हैं ड्यूटी पे, वो तो प्रदेश सरकार के होंगे ना। आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। सुमित पचौरी जी, लिख कर दे दिया है आपने, आपकी पार्टी ने लिख कर दे दिया है कि हाँ तैयार हैं हम? देखिए, चुनाव की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से करता है, अभी वोटर लिस्ट नहीं। दुर्गेश शर्मा जी भी टेक्निकल चीजें बता रहे हैं ना, क्या पार्टियों को लिख कर देना पड़ता है कि हाँ हम तैयार हैं, ऐसा है क्या? पार्टी को लिख के नहीं देना है, पार्टी के हिसाब से चुनाव आयोग नहीं चलता है। यही तो मैं बोल रही हूँ ना सर, आप कोई बात बीजेपी के लिए हो जाता है कि पार्टी के हिसाब से चलता है। सरकार सुन लीजिए, सरकार आपकी रही 15 महीने मतलब टले आपकी वजह से क्या? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, चुनाव आयोग मैं भी समझ रही हूँ, लिख के देना पड़ता है कि हम तैयार हैं। तो 2020 में हम तैयार नहीं थे ना, यही तो पूछ रही हूँ। कौन नहीं था तैयार? आपने कहा ना कि सरकार लिख कर देती है, तो आपकी तैयारी नहीं थी 2020 में, उपचुनाव के साथ ही हो जाते फिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लेट लतीफी तो हो चुकी है, जो पानी अब बह चुका है बह चुका है, लेकिन अब जो तारीख आ चुकी है, क्योंकि फाइनल लिस्ट आ चुकी है, अब तक वोटर लिस्ट को आरोप, दो नगर निगम बनाने को लेकर आरोप, तमाम तरह की चीज़ें, न्यायालय के पास जाना, लेकिन अब जो वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है, ये कहा जा रहा है कि 10 मार्च तक जो है आचार संहिता लग जाएगी, फाइनल जो तारीख है वो आ जाएगी निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के एक साथ कराइए सारे चुनाव, ताकि खर्चा भी बचे और विकास के जो कार्य हैं वो बार बार आचार संहिता लगने की वजह से प्रभावित ना हो। लेकिन एक चुनाव वक्त पर नहीं हो रहे, वो भी छोटे चुनाव, बाकी चुनाव की तो बात छोड़िए। तब ऐसे में ये भी आरोप लगे कि सरकार लिख कर देती है चुनाव आयोग को कि आप, हम तैयार हैं, आप चुनाव करा लीजिए। तो क्या 2020 में कांग्रेस की सरकार ने नहीं लिख कर दिया था? अब क्योंकि वो विपक्ष में, इसलिए कह रहे हैं हम तैयार हैं? या अब अगर हम बात कर रहे हैं तो जब चुनाव आयोग ने, हाईकोर्ट ने भी कहा कि समय पर चुनाव कराइए, तो चुनाव आयोग ने अब तमाम तैयारी कर ली है, 10 मार्च को आचार संहिता लगाने की बात आ रही है सामने, हालांकि रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब उम्मीदवारों की बारी आएगी, कौन कितने दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारता है। और अगर अभी हाल ही में हुए छोटे चुनाव देख लीजिए आप, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस रहा दोनों ही पार्टियों का। और अब जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है, जो अभी तक वो सदन के बाहर तक उठाती रही, अंदर उतनी तरीके से नहीं उठाए। तो उन मुद्दों को क्या जनता पसंद करेगी, या बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी या कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी, ये समय आने के बाद पता चलेगा, लेकिन चुनाव की तारीखें सामने आ जाएं तब, क्योंकि अब तक तो बहुत देरी हो चुकी है। और इस देरी की वजह से भी बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी परेशानियां आती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे हैं नादी टीवी। नमस्कार।